यदि करनी है तो मानव सेवा रक्तदान है उत्तम सेवा। आज हुगली पश्चिम बंगाल महावीर संघ आरजी कमेटी द्वारा एक रक्तदान का आयोजन किया गया। इस रक्तदान आयोजन में युवाओं के साथ साथ इलाके की महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पहुंची। गेस्ट के रूप में उपस्थित रहे देव माल्या सेन गुप्ता, NHRF ऑल इंडिया प्रेसिडेंट डॉक्टर CP वर्मा, जज मेंबर नेशनल अदालत एंड स्पेशल अदालत, और उपस्थित रही वेट लिफ्टिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल खिलाड़ी संपा गुहो, जो इस वक्त कोलकाता पुलिस में SI इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात हैं। वहीं इस आयोजन में उपस्थित संपा गुहो जी ने कमेटी के साथ साथ उन सभी रक्तदाताओं को जो अपना रक्त दे रहे हैं सभी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान सिर्फ दान नहीं बल्कि रक्तदान जीवन दान है जो कि मानव की रक्षा करने में मदद करता है और इसमें हमें सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जो जो व्यवस्थाएँ होती हैं लोगों को बताना बुलाना बढ़िया से अरेंजमेंट करना वो सब कुछ यहाँ हुआ है तो काफ़ी अच्छा है। और रक्तदान देने से जहाँ तक देखा जाता है कि लोगों के शरीर में एक संचार काम करता है, एक ऊर्जा का काम होता है, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। करने वाले को भी आनंद हो रहा है और ब्लड देने वाले को भी आनंद आ रहा है। किया जा रहा है तो इससे समाज को क्या फ़ायदा मिलेगा? बहुत फायदा है। तो समाज की सबसे बड़ी काम है रक्तदान को महादान यूं ही नहीं कहा गया है। एक आदमी को जानना चाहिए कि जब ब्लड देते हैं और 300 ml ब्लड का जब वो दान देते हैं तो पहली बात होती है कि उनके शरीर से जो 300 ml का ब्लड निकला है वो ब्लड तुरंत बन जाता है 1 से 2 दिन के भीतर में। सिर्फ एक RBC को बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है, करीब करीब 90 दिन लग जाता है। तो अब क्या है कि जब नया रक्त बनता है तो सेल जब पूरा फंक्शन करता है तो शरीर का पूरा ब्लड में एक तरोताज़ा काम होने लगता है, शरीर का हर ऑर्गन में एकदम तरोताज़ा काम होने लगता है। तो इससे देने वाले को तो गजब का फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये जो रक्त दिया गया है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़रूरतमंद को ही दिया जाएगा। तो वैसी स्थिति में स्वतः भी लाभ हुआ और दूसरे को भी लाभ हुआ, पूरे समाज को लाभ हुआ और करने वाले की वजह से पूरा एक अच्छा माध्यम डेवलप किया कि हाँ एक अच्छा काम होना चाहिए। तो इस तरह से एक बहुत बढ़िया काम होता है और एक अच्छा माहौल बनता है और ऐसा काम कि हम लोग तहे दिल से सराहना करते हैं। मैं डॉक्टर CP वर्मा, मैं ब्लड के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मेडिकल साइंस ब्लड के हर फैक्टर को समझ तो चुका है लेकिन आज तक कभी कोई फैक्ट्री में बना नहीं पाया। तो आज प्रकृति के माने जो हमारे भगवान के द्वारा जो सृष्टि हुई है इसको कभी नागू धर्मेंद्र जो भी हमारे साथ जुड़े हैं सबका योगदान का नतीजा है जो हमारे साथ आज कोई भी प्रोग्राम को हम लोग सक्सेसफुल करने में कामयाब होते हैं। ये इसी तरह हम लोग का यूनिटी और एकता ही बना रहे तो हम लोग हर प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सफल रहेंगे। अभी तक कितना यूनिट हुआ है? अभी तक 40 के पार हो गया है। लक्ष्य क्या है? 50 का है। लक्ष्य 50 का है। आप लोग देख रहे हैं बहुत काफ़ी महिलाएं भी आ रही है चढ़ बढ़। बहुत खुशी की बात है कि इस लॉकडाउन और कोरोना काल के महामारी में भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। हम लोग को उतना उम्मीद नहीं था कि हमारे माताएं बहनें भी आएंगी हम लोग इस प्रोग्राम में। बहुत ही खुशी की बात है और साथ ही साथ हमारे दूर दराज से आए हुए हमारे मेहमान को भी अपने तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस रक्तदान शिविर में अपना समय दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।